Jai Hind and very good morning to all of you. How are you everyone? I hope you all are fine. First of all, welcome to all behalf of SRVS Group of Educational Institution. SRVS Group of Educational Institution requests to all the students, please support to this campaign. And today on 5th of April at 9 o'clock sharp, please light the candle and join this campaign. जैसा कि आज आप जानते हैं 5th of April है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3rd of April को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए हम सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट की कि आज के दिन यानी रविवार को 5th of April रात 9 बजे हम सभी अपने घरों की लाइट को स्विच ऑफ करेंगे और संदेश देंगे संपूर्ण विश्व को कि हम सब एक हैं और एक साथ इस अंधकार को मिटाने के लिए खड़े हुए हैं। प्राचीन काल से ही रोशनी जो है सकारात्मकता का प्रतीक रही है, प्रकाश सकारात्मकता का प्रतीक रहा है, क्योंकि जब भी अंधकार को मिटाने की बात की गई वहाँ रोशनी आई और अंधकार मिटा। इसी मुहिम के साथ आज सभी देशवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज रात 9 बजे एक साथ इस कैंपेन में शामिल हों और संपूर्ण विश्व को दिखाएं कि पूरा भारत एक है और एकता और भाईचारा का संदेश दे, क्योंकि हम सदियों से तमसो मां ज्योतिर्गमय पढ़ते आ रहे हैं, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले आना। और आज हम सब उसी कार्य को करेंगे कि हम जो आज नकारात्मकता का माहौल है, नेगेटिविटी स्प्रेड एवरीवेयर, इन दिस टाइम वी नीड टू कम विथ पॉजिटिविटी। सो नीड द पॉजिटिविटी एंड प्लीज़ कम टुगेदर एंड शो टू एवरीवन वी ऑल आर यूनाइटेड। हम सब एक हैं और इस लड़ाई में एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और हम सलाम करें उन लोगों को जो आज इस कठिन दौर में भी हमारे लिए खड़े हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्स हों, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे रेलवे एम्प्लॉई हों, उन सभी को हम सलाम करें और अंधकार को हराने की इस जंग में शामिल हों। उसके साथ साथ हम कुछ बातों का ध्यान रखें। मोदी जी ने बोला है कि हम बत्तियां ऑफ़ करेंगे। इसमें एक चीज़ बहुत मैं ध्यान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी इस चीज़ को ध्यान दिया है और बोला है कि मोदी जी ने कहा है कि हमें सिर्फ लाइट ऑफ़ करनी है, सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ लाइट, ना कि बाकी चीज़ों की पावर सप्लाई ऑफ़ कर देनी है, जैसे फ्रीज या ये सारी चीज़ें ऑन रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमें लाइट ऑफ़ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रात में जब हम दिया जलाने, कैंडल जलाने जाएं, तो प्लीज़ हाथों को अच्छे से साबुन या हैंड वॉश से धो के जाएं, क्योंकि अगर से हमारे हाथों में सैनिटाइज़र लगा होगा तो एक उसमें अल्कोहल मिला होता है और अल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो उससे कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिएगा, इन बातों को ध्यान में रखिए और चीज़ें करिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि बच्चों, स्पेशली दिस इज़ द रिक्वेस्ट फॉर माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ डोंट गैदर्ड एट वन प्लेस इन कॉलोनी और समय एंड डोंट गो आउटसाइड फ्रॉम योर होम। तो घर से बाहर मत जाइएगा, कॉलोनी में कहीं भी गैदर्ड मत होइएगा एक साथ, अपने अपने घरों से ये काम को करना है हमें और इन बातों का ध्यान रखना है और अंधकार को मिटाने की इस जंग में एक साथ खड़े होना। चलते चलते मैं पूर्व
प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहूति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वर्त बनाने, नौ दर्गची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। स्टे होम, स्टे सेफ, घर बैठो इंडिया। जय हिंद, जय भारत।